वैसे ही काली पूजा बारासात और मोदुमगा में बहुत ही बढ़िया से होता है। हम लोग लाइन पे खड़े होने के बाद फाइनली मौका मिल गया है अंदर आने का। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मंदिर कौन सा है, और उन्होंने मुझे बोला कि सीधा जाके लेफ्ट। तो ये रहा केदारनाथ मंदिर डुप्लीकेट वाला। फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पर घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। यार आज का मौसम देखो बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल साफ। यार कल ऐसा क्यों नहीं था? तो कल तो हम ठीक से पटाखे फोड़ नहीं पाया बारिश के वजह से, पर आज मौसम बिल्कुल बढ़िया है। तो बाकी का बचा हुआ जो पटाखा है वो आज हम फोड़ेंगे, और आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर घूमने, क्योंकि दिवाली के साथ साथ कोलकाता में अभी काली पूजा का भी फेस्टिवल चल रहा है। जैसे कि कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होता है, बढ़िया तरीके से होता है, वैसे ही काली पूजा बारासात और मोदुमगा में बहुत ही बढ़िया से होता है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं काली पूजा पंडाल विजिट करने। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो काली पूजा पंडाल देखने का सही वक्त है रात को, तो पहले प्लानिंग था कि होल नाइट हम लोग बाहर घूमेंगे, पर प्लान को थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि बेटे को लेके जाना पूरा रात वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि दोपहर को जाते हैं कि 8-9 बजे तक बाहर बिताते हैं, उसके बाद घर आएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, फिर क्या रेस्ट। फाइनली भाई लोग, इतना देर तक हम लोग लाइन पे खड़े होने के बाद फाइनली मौका मिल गया है अंदर आने का। तो अभी हम लोग है पाइनियर पंडाल में। तो बाहर से जो फोर्ट में दिखा रहा था, तो पता नहीं इसका ये कौन सा फोर्ट है। तो नॉर्थ अफ्रीका का कॉस्बा फोर्ट जो है उसके मुताबिक इसको बनाया गया है। भाई बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, और अंदर जाके पता चला गया कि अंदर भी कैसा है। और सबसे बड़ी दिक्कत हो रहा है कि बोलने में, यार आपको ठीक से सुनाई भी दे रहा है कि पता नहीं मुझे। पर जो भी है बढ़िया है। ओ भाई निकलते भी ये देखो मेला लगा हुआ है पूरा यहाँ पे, देख के देख के देख के। लो हो गया सत्यानाश मेरा, मेले में आ गए हम। ये देखो स्टार्ट हो गया, बस अभी तो हम खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं कुछ नहीं, खरीदने आए नहीं हम, नहीं हम लोग आए हैं घूमने, खरीदारी के नहीं। सुनो कहावत है, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, पर घूमेंगे फिरेंगे शॉपिंग करेंगे, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। यहाँ पर नहीं हो सकता ना, इतने क्राउड तो मत करो, इसलिए शॉपिंग करेंगे। नहीं तो मत करो कहीं भी शॉपिंग करेंगे। भाई ये वाला देखो, हम लोगों को निकलना था दोपहर को, पर अब देखो शाम हो चुका है, क्योंकि पता ही है, बोल नहीं सकता वो पीछे खड़ा हुआ है। तो जो भी हो हम लोग लेट ही सही पर निकले। अभी हम लोगों को सब पंडाल के बाहर ना लाइन देके
घुसना पड़ेगा अंदर। जैसे कि अभी जा रहे हैं एक पंडाल में, ये देखते हैं इसका थीम क्या है। तो ये वाला पंडाल जो है ये बाराशात बैम समिति का है। तो अभी अंदर जाके पता करते हैं कि इसका थीम क्या है। भाई लाइट तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है मुझे। अबे यार चलो धीरे धीरे अंदर चलते हैं। और ये देखो देख सकते हो कि लाइट की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, एकदम रंग बिरंगी, पूरा रंगीन हो चुका है। तो अभी पता करना होगा कि इसका थीम क्या है। भाई इसका थीम क्या है, कौन सा मंदिर है? पता नहीं है कौन सा मंदिर है, बनाया गया है, आपको पता है कि कौन सा थीम है? किसी को पता नहीं कि थीम कौन सा है। भाई तुझे पता है थीम कौन सा है, ये पैंडल कौन सा है? पता नहीं है। अजीब है भाई, हम लोग घूम के जा भी रहे हैं और पता भी नहीं है ये थीम कौन सा है या फिर मंदिर कौन सा बनाया गया है। भाई ये मंदिर कौन सा बना हुआ, मंदिर कौन सा बना है? मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मंदिर कौन सा है और उन्होंने मुझे बोला कि सीधा जाके लेफ्ट। तो भाई लोग लाइन देखो, यहाँ से अभी 1 किलोमीटर तक लाइन है। भाई हम लोगों को जाना था नवोपल्ली जहाँ पे बना हुआ है केदारनाथ मंदिर। तो भाई लाइन देखे और मुझे लग नहीं रहा कि हम अंदर पहुँच पाएंगे या फिर मुझसे कोई एनर्जी भी नहीं है भाई उतना देर तक जा भी पाओ। तो भाई प्लान कैंसिल। तो भाई ना चाहते हुए भी हम लोग लाइन पे लग गए हैं। अब देखते हैं, चलो अंदर चलते हैं। जब जा रहे थे ना तो हम लोगों को ये राइट साइड वाला लेना था, हम लोग आ गए ये लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो था ये लाइन था। भाई बहुत बवाल चल रहा है यहाँ पे, बहुत बवाल। हम लोगों का भाई 1 घंटे से लाइन पे खड़े हुए हैं हम लोग। सो फाइनली 1 घंटे के बाद तो हम लोगों को अंदर जाने का मौका मिला है। अभी ये देखिए भाई, इतना दूर तक आने में ही हम लोगों का हालत पूरा खराब हो गया पूरा। कम ऑन, हेलो, तो ये रहा केदारनाथ मंदिर डुप्लीकेट वाला। तो चलो अभी जाते हैं अंदर, अंदर देखते हैं कैसा है। चलो हो गया, तो टाटा बाय बाय। चलिए 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 चलो चलो भाई केदारनाथ खत्म, टाटा बाय बाय। देखो भीड़ भाड़ में क्या हो गया, खून निकल रहा है, नाखून पलट गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नाखून छोटा करो बड़ा नहीं। तो भाई लोग अभी तो हम धक्का मुक्की खा के भाई केदारनाथ देख के आए हैं। भाई मुझसे और नहीं चल पा रहे, इसका नाखून भी उखड़ चुका है।
तो जो भी हो भाई, अब जा रहे हैं हम घर के तरफ। सो भाई घर हम पहुंच गए हैं और अब बारी है पटाखा फोड़ने का। कल जो पटाखा फोड़ने के लिए बाकी रह गया था वो आज हम फोड़ के ही रहेंगे। हो गया चोट की। ये हो गया खत्म। टाटा बाय बाय। चलो और एक जलाते हैं। जल जा भाई। ये जल गया। भाई ये तो जला ही नहीं। जल 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 जल। So, भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग, अभी पटाखा वाला जो पार्ट था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। भाई किसी की कमी नहीं छोड़ेंगे हम। भाई पटाखा जितना भी लाया था सब फोड़ दिया। तो जो भी हो भाई, और पटाखा होता तो और भी मजा आता, और भी ज्यादा देर तक हम लोग पटाखा फोड़ सकते थे। तो जो भी हो भाई, इस दिवाली हमने बहुत मजा किया है और मेरे बेटे ने तो उससे भी ज्यादा मजा किया है। और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलो इस वीडियो को करते यही पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय। Bye. Good bye.